हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज मनी बैंकिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। योर सिक्स चैप्टर्स, चैप्टर इज मनी बैंकिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी मनी आई वो कैसे हमारे अस्तित्व में आई, कैसे हम इसके पहले, मनी के आने से पहले हम अपने काम को करते थे, और आगे इसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट। इवोल्यूशन ऑफ मनी नेसेसरली इज़ द मदर ऑफ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। द नीड टू फैसिलिएट एक्सचेंज ऑफ गुड्स लेड टू इवोल्यूशन ऑफ मनी। ब्रीफली, इवोल्यूशन ऑफ मनी वॉज मेनली थ्रू कमोडिटी इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम। मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी एंड बैंक मनी। मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इज ऑफ मॉडर्न टाइम। इट हैज़ अंडरगोन अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। मनी क्या है? आज के टाइम में मनी एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी इन्वेंशन था, जो कि जिसकी हेल्प से हम अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ये एक मीडियम था जिसकी हेल्प से हम अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, चाहे हम गुड्स के बदले गुड्स लेते थे या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे हमें। तो ये इसलिए मनी को हमारे अस्तित्व में लाया गया और इसका यूज़ हमने किया। कई तरीके से हमने इसका यूज़ किया है, जैसे कमोडिटी मनी, कमोडिटी की हेल्प से, या एक कमोडिटी को देकर जब हम मनी को देकर जब हम कमोडिटी को लेते हैं। मेटेलिक मनी, जो आपका पहले मुद्राएं चलती थी बहुत पहले। पेपर मनी, जो आपकी नोट्स चलती हैं। एंड बैंक मनी, यानी कि जो आप अकाउंट्स में अपने पैसे रखते हो, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? बैंक मनी। मनी इज़ द मोस्ट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम। इट हैज़ अंडरगोन अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। मनी हमारे लाइफ में, हमारे जो अस्तित्व में, ऐसे ही नहीं आई। इसका बहुत एक बड़ा प्रोसेस था जिसको कंप्लीट करके ये हमारी लाइफ में आई है, और जिसके वजह से हम बहुत ही ईजली इसको हम चला सकते हैं, इस मीडियम का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मनी कैसे आई है, मनी के आने से पहले हम अपने सामान, अपनी कमोडिटी को किस तरीके से एक्सचेंज करते थे। Human being passed through a stage when money was not in use and good were exchanged directly for one another. बहुत पहले की बात है, जब हमारे पास मनी एक मीडियम, एज अ मीडियम नहीं था, तब हम लोग एक सामान से दूसरे सामान, एक सामान के बदले दूसरे सामान को लिया करते थे, और इस तरीके से अपने व्यापार को, अपने जो हमारा ट्रेड था उसको पूरा करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दैट व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो क्या इसका आंसर होगा? जब हम मनी के, तो अक्सर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है आपके एग्जाम्स में, आता है दैट व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम एंड व्हाट इज़ बार्टर एक्सचेंज। तो इसका आप सिंपली आंसर बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, और या फिर कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज। द इनकन्वीनियंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर लेड टू द ग्रेजुअल मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टिल कंटिन्यूज। Gradual medium of exchange still continues. एक सेकेंड। The inconvenience of and drawbacks of barter led to the gradual use of medium of exchange called money. The process of evaluation of some butter paper money started becoming inconvenient because of time involved, its counting and space required for its safekeeping. They led to introduce of money, bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, credit cards, etc. These days, plastic money in the form of debit card is becoming popular. The latest addition is e-money, that is
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट डेबिट एंट्रीज। तो क्या था, जब हमारा बार्टर सिस्टम आया और उसके उसमें हम लोग क्या करते थे, एक सामान के बदले दूसरे सामान को हम लिया करते थे, इस तरीके से हमारा पूरा जो बिजनेस था चलता था। तो इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसके इससे जो लोग थे वो उनके लिए बार्टर सिस्टम इनकन्वीनियंट था, उनके जो डेली लाइफ थी वो नहीं अच्छे से चला पा रहे थे। इसके वजह से ये फेल हो गया और इसकी जगह पे एक दूसरा मीडियम आया जिसको हम मनी के नाम से जानते हैं। मनी में हम क्या करते थे, मनी यानी कि कुछ हमारे पैसे होते थे जिसको हम लोग बहुत से फॉर्म में देखते थे, यानी कि हमारा मेटलिक मनी भी होता था जो पहले मुद्राएं चलती थी, हमारा जो पेपर मनी भी होता था, जो नोट होते थे, सिक्के होते थे, लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के, पीतल के सिक्के, जो भी सिक्के होते थे। तो उसके बदले जब हम लोग कमोडिटी का यूज़ करते थे, एक्सचेंज करते, तो वो हमारा कहलाता था मनी। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सम बेटर पेपर, यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई है। तो ये भी हमारा जो डेली लाइफ थी उसके लिए अनकन्वीनियंस था, क्योंकि इसके रहते क्या था, या तो पहले हमारे पहली चीज़ तो हमारा इससे बहुत टाइम लॉस होता था कि बहुत सारे पैसे होते थे जो हमें गिनने पड़ते थे, और आज के टाइम में लोग के पास इतना समय होता नहीं है। दूसरी चीज़ इसकी सेफ्टी, यानी कि जो पैसे होते थे उसका सेफ लोग नहीं रख पा रहे थे, इसकी अक्सर चोरी हो जाती थी, या फिर बहुत सारे काले धन आ गए थे हमारे जो वाइट मनी की जगह पे। तो ये सब चीज़ें ड्रॉबैक्स थे मनी के, जो इसकी वजह जिसकी जगह पे हमने बैंकिंग स्टार्ट की, यानी कि बैंक मनी स्टार्ट किया, जिसमें हमने चेक बिल्स और आपके कार्ड्स थे जिसका पेमेंट हम जिस तो यूज़ ऑफ मनी भी जो था वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए वो इनकन्वीनियंस था। तो इसके जगह पे बैंक मनी स्टार्ट की गई, जिसके अंदर हमने क्या देखे, चेक्स थे, ड्राफ्ट्स थे, बिल्स थे, एक्सचेंज थे, क्रेडिट्स थे, डेबिट्स थे। तो इसके थ्रू हम लोग अपने मनी वो अपने जो मनी से रिलेटेड चीज़ें होती थी उसका एक्सचेंज करते थे। मॉडर्न टाइम में एकदम जो आपका इस टाइम चल रहा है वहाँ पे हमारे जो प्लास्टिक मनी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जो प्लास्टिक मनी आपका क्या है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एक छोटा सा कार्ड होता है जो आपको बैंक अलॉट करता है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने जो आप अकाउंट में पैसा रखते हो वो पूरा पैसा आपका एक छोटा सा कार्ड होता है जिसका एक पासवर्ड होता है जो बैंक अलॉट जो आपको बैंक देता है। आप जाओगे ATM मशीन में, जाके उस कार्ड को आप स्वाइप कर दोगे और वहाँ पे अपना जो पासवर्ड होता है 4-5 डिजिट का उसको एंटर करोगे तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हो। तो ये जो आपका प्लास्टिक मनी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके ह्यूमन बिहेवियर के लिए काम कर रहा है, और इससे हमारी जो चोरियाँ हो रही हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हुई हैं, समय की भी बचत हो रही है। तो ये सब चीज़ें थी जिसके वजह से हमारा प्लास्टिक मनी स्टार्ट हुई। और यहाँ जो अभी हमने पढ़ा है, हमने ये देखा है कि मनी कैसे आया और इसके क्या क्या फॉर्म्स थे। तो अभी हमने इसके कुछ टॉपिक्स देखे थे, अब उस टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है बार्टर मीनिंग एंड ITS इनकन्वीनियंस, जिसको कि हम नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।